अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज निकल रहा है इधर से और अबूजा ने उठा के चारा लेने के लिए भेज दिया हमें। अभी हम लोग जा रहे हैं चारा लेने, और बैकग्राउंड कैसा आपने कमेंट करके जरूर बताना जी। चारा लेने के लिए आए हैं मैं, मामूजान, दाऊद। आप सब लोग भी कह रहे होंगे कि पहले तो कभी नहीं जी बाया चारा लेने, आज अचानक से क्यों? शादी हो गई आप सबको पता, तो अबूजान कहते हैं अपने काम खुद किया करो, मुझसे अब काम नहीं होते, और हमें चारा लेने भेज दिया जी ये बात कह के। आई लव यू, आई लव यू टू। तेरा गड्ढा नाके हुए बड़ा हो गया, चारा काट लिया, अभी इसको बांध रहे हैं और लेके चलते हैं। एक गाय है बस, तो उसके लिए ये चारा बहुत है। नहीं होते नहीं ये देखे जी, काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। 5 लाख सब्सक्राइबर वाला स्टार गोबर फेंक रहा है। टाइम हो गया जी शाम के 7 बजे का, और अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। सुबह चारा लाने के बाद ना हम लोग हो गए थे बिजी, आज जुम्मा था। जो जो बंदा जुम्मा पढ़ने आया था ना, उन सबको हम लोगों ने सबज चाय बना के पिलाई, देख बनाई थी चाय की, तो वो सबज चाय की तो देख बनाई थी ना, तो वो वीडियो आप लोग ना ताजगी के चैनल पे देख लेना, टूबर एंड टेस्ट वाले चैनल पे। तो सुबह के हम लोग उधर बिजी थे, अभी सब लोग गए हैं, और अभी शाम के 7 बजे हैं, और अभी दोबारा से ब्लॉग बना रहा हूं। अभी मैं फ्री हुआ हूं। आप सबको पता है छुट्टी तो करनी नहीं ना, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने लाइट मंगवाई थी, ये लाइट ना तकरीबन 7 से 8 कलर चेंज करती है। एक मिनट बताता हूँ कितने कलर चेंज करती है। इस रिमोट के अंदर जितने कलर है ना, उतने कलर ये लाइट चेंज करती है। और मैंने ये लाइट मंगवाई थी अपने स्टूडियो में यूट्यूब के लोगो के साइड में लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये पूरी नहीं आई, और आज हम लोग इस लाइट को लगाएंगे मेरे वाले कमरे में। ये लाइट लगाने के लिए ना पूरे कमरे में जगह ढूंढी है, कहीं भी जगह नहीं मिली कि जहाँ पर ये लाइट लग सके। लाइट की लेंथ कम है और सारी चीजें भरी भरी है। और अभी मेरी नजर पड़ी है मेरे बेडरूम में, जो शीशा है इसकी साइड में लग जाएगी। यह है थोड़ी सी, यह है कमाल की है, लेकिन है थोड़ी सी है, वो खुल जा। अभी जी हम लोग चेक करते हैं लाइट शीशे की इर्द गिर्द पूरी आती है कि नहीं। यहां से लोग शुरू करते हैं, यहां से नीचे, यहां से ऐसे, और यहां से ऊपर पूरी पूरी लाइट है, ऐसे जैसे बनी शीशे के लिए थी, पूरी लेंथ है चारों तरफ से। इस लाइट के नीचे ना ये टेप लगी हुई है, इसे उतारेंगे ना, जहां पर भी इस लाइट को लगाएंगे ना ये वहां पर लग जाएगी। तो अभी इसे लगाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह खैर करे, सीधी सीधी लग रही बस। यहां से हम लोग शुरू करते हैं ऐसे, ऊपर ऐसे, यहां से ऐसे। इस लाइट की सबसे कमाल बात यह है कि ये दीवार के ऊपर भी लग जाती है। इसके नीचे जो अल्फी है ना, जिससे ये चिपकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दीवार के साथ भी ये लाइट चिपक सकती है। देखें पूरी पूरी आई है, मैं इनके लिए तैयार हूँ। अभी इस शीशे के चारों तरफ ना लाइट लग गई है, अभी जलाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसके कमाल। इस लाइट को चलाने के लिए ना ये साथ एक छोटा सा पुर्जा है, इसकी मदद से चलेगी वो सारी लाइट। अभी ये लगाते हैं इसको इसके साथ, ये लग गया स्विच, ये दबा दिया बटन, और ये चल गई हमारी लाइट। ये देखें ये लाइट लग गई, अभी चल गई रेड, अभी हम लोग चलाएंगे येलो, ये येलो जल गई, अभी हम लोग चलाएंगे ग्रीन, ये ग्रीन चल गई। यहां से इसकी लाइट ज्यादा होगी और यहां से कम, ये देखें। अभी हम लोगों को कोई कलर नहीं चाहिए, बिल्कुल वाइट लाइट जलानी है, तो ये जल गई बिल्कुल वाइट। आप लोगों को मैं यहां से चेक करवाता हूं, दूर से सही तरह पता नहीं चलता। ये रेड, ये ग्रीन, ये वाइट कलर। अभी आप सब लोग कमेंट करके बताना कि ये लाइट कैसी है ना कमाल की पूरी। शादी वाले दिन ना मेरे साथ मेरी सालियों ने किया था प्रैंक, प्रैंक गिफ्ट था, उसे अनबॉक्स करना था, तकरीबन 6 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट मैंने वो गिफ्ट अनबॉक्स करने में लगा दिए, तो वो फिर मैंने लगाया नहीं वीडियो में। मैंने सोचा जिस दिन कंटेंट नहीं ना मिलेगा उस दिन डालेंगे, तो आज कंटेंट नहीं मिल रहा, फिर आपको दिखाता हूँ वो जो मैंने गिफ्ट अनबॉक्स किया था, जो मेरे साथ प्रैंक हुआ था शादी वाले दिन।
ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਚੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਕਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਧਾਗੇ ਹਰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਟਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਰਾ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਨਾ ਫੇਰ ਲਵੀ ਤਾਗਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ ਧਾਗੇ ਸਰ ਤੱਕ ये था जी छोटा सा मजाक जो मेरी साली ने मेरे साथ किया था। तो ये वीडियो पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, मैंने सोचा किसी दिन किसी व्लॉग में लगा देंगे। तो ये एक प्रैंक किया था, इतने ज्यादा इसके ऊपर धागे थे ना, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे ये मुझे गिफ्ट अनबॉक्स करने में। 6 से 7 मिनट इसलिए लगे थे पीछे से किसी ने मुझे लेटर पकड़ा दिया था, जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे, नहीं तो ये एक घंटा एक पक्का था। तकरीबन 10 से 15 नलकियां धागे वाली ने उसके ऊपर लगाई हुई थी, हर कागज के ऊपर एक नलकी थी, तो धागे तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल थे। तो वो तो शुक्र है पीछे से लेटर आया जिसकी वजह से सारे धागे टूटे और 6 मिनट के अंदर गिफ्ट अनबॉक्स हुआ, नहीं तो घंटा एक पका था। बहुत बड़ा प्रैंक होना था अगर लेटर ना मिलता। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ में दीजिए इजाजत, सदा खुश रहे, अल्लाह हाफिज।